अयोध्या के मलिकपुर में हुआ विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। समाजसेवी राजेश पांडे ने अपने आवास पर मलिक में किया विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। कवि सम्मेलन के संयोजक राष्ट्रीय कवि दुर्गेश पांडे दुर्लभ के संयोजक में कवि सम्मेलन हुआ। आयोजन साप्ताहिक भागवत कथा के समापन पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पवन पांडे व सांसद प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, रायबरेली सहित कई जनपद के कवियों ने अपनी कविताओं से जनता का मन मोह लिया। अयोध्या से लव कुमार पांडे की रिपोर्ट। मंचों पर मैं वोज पढ़ता हूं और ये बड़े भैया मेरे राकेश पांडे जी का आदेश था कि दुर्गेश भागवत के पश्चात हम लोग भंडारे के दिन एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि जिसमें हमारी पब्लिक को एक समाज को साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो साहित्यिक कार्य जैसे कार्यक्रम करके हम समाज को शिक्षा दे समाज के सामने एक समाज को के सामने रखते हैं कि भाई साहित्य को साहित्यिक कार्यक्रम रखा जाए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आज देश में लोग तरह तरह के ऑर्केस्ट्रा और क्या क्या डुम 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 करके रखते हैं, तो उस तरह से भागवत के मंच पे भैया ने कहा एक साहित्यिक कार्यक्रम रखते हैं और देश के सभी कवियों को बुलाएंगे। इसमें तरह तरह के बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं जिनके नाम भैया ने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको, और बहुत ही पावन समय चल रहा है। ये अभी हमने रामनवमी मनाई, उसके पहले हमने प्राण प्रतिष्ठा मनाई, अभी चुनाव आ रहे हैं और देश में हर एक तरह जगह पर चुनाव हो रहा है, पूरा देश राममय है, ठीक है। और इस पर हमारे मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं ठीक है कि पालन अपने मौलिक संविधान का करें। निवेदन है भैया, सब लोग मिलजुल कर मतदान करें, ठीक है। आप पूरे देश में सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई मतदान जरूर करें, और हमें मतदान करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जिसे मतदान कर रहे हैं क्या उससे वो हमारे सनातन धर्म का विरोधी तो नहीं है, सबसे पहले जरूरी है। हम मतदान जिसे कर रहे हैं, मतदान करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि मैं जिस नेता को मतदान कर रहा हूँ उसके संदर्भ में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं, शिक्षा, रोजगार, ये सब हमारे विषय होने वाले हैं। तो मैं साहित्य के तौर पर मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन एक बात एक चार पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि भगुआ से सम्मान मिला है अवधि की परिपाटी को, भगुआ से सम्मान मिला है अवधि की परिपाटी को, भगुआ से ही ज्ञान मिला है रामचंद्र की ठाटी को, भगुआ से हिंदुत्व सुनहरा, भगुआ यहाँ दिवाकर है, भगुआ पर मर्मित कर सोड़ित, तिलक करो इस माटी को। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप कहीं भी वोट करिए आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वोट